यानी कि एक स्टैंडर्ड साइज रूम 14 बाय 16 फीट का बनाने में ए टू जेड मटेरियल के साथ साथ लेबर का खर्च कितना होने वाला है 2024 के अंदर में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो हमारा रूम है इसमें एक विंडो और आपका एक दरवाज़ा, ठीक है, ये विंडो है और ये दरवाज़ा डोर है डाला गया है, और तीन इसमें तीन वेंटिलेशन यूज किया गया है, रोशनदानी जिसको बोलते हैं। तो आपको ये रूम अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं मटेरियल के साथ साथ, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर आपको 10 से 15% अपना प्रॉफिट क्या करेगा, ऐड करेगा, जोड़ेगा, तभी आपको वो कंस्ट्रक्शन करके देगा। तो मैंने 12% प्रॉफिट ऐड किया है कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है। तो जो एरिया है हमारा 14 गुने 16 फुट, ठीक है, 14 फुट चौड़ा 16 फुट लंबाई है, जैसे कि देख सकते हैं। तो एरिया हमारा हो गया 224 स्क्वायर फुट। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हमारा हर एक वीडियो में डिफरेंस रहता है, कैलकुलेशन अलग अलग टाइप से बताते हैं सीखने के लिए आप लोग को। तो जो हमारा एरिया है उसमें हम क्या करेंगे, हमने जो पकड़ा है, अगर कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं आप तो 12% प्रॉफिट ऐड करके, यहाँ पे लिखा हुआ 12%, ठीक है, जो एरिया हमारा है रूम का, तो 1280 रुपया पर स्क्वायर फुट विथ मटेरियल लेबर का कॉस्ट के साथ अगर दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो यह कॉस्ट आपका हो जाएगा 286,615 रुपया। बहुत लोग क्या करेंगे, यहीं तक वीडियो देख के भाग जाएंगे, भाई ये मटेरियल के साथ साथ आप लेबर भी कॉन्ट्रैक्टर देगा, ठीक है, वो अपना 12% प्रॉफिट को जोड़ के, तब भी है ये इतना कॉस्ट। लेकिन अगर आप खुद से बनवाएंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो जाएगा 255,847 रुपया, ठीक है, कम से कम आपका 30-35 हज़ार कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट अपना जोड़ के वो लेता है। तो बहुत लोग यहाँ तक ही वीडियो देखेंगे और भाग जाएंगे छोड़ के, लेकिन आप लोग को भागना नहीं है, क्योंकि हमने ए टू जेड मटेरियल और खर्च का बात किया है। यहाँ बिना कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, खुद से करा रहे हैं डेली बेस पे, ठीक है, पेंसिल से लिख देते हैं डेली बेस पे, तब आपको इतना लगेगा, बिना कॉन्ट्रैक्टर का खुद से करवाएंगे काम तब 255,847 रुपया, कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो प्रॉफिट जोड़ेगा ना अपना, तो 286,615 रुपया लगेगा। अब आइए ए टू जेड मटेरियल जैसे हम बताए हैं वो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेबर कॉस्ट का बात कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर डेली बेस पे काम करवा रहे हैं आप तो कम खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले लेबर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लास्टर काम तक के लिए आपका 220 रुपया हम पकड़े एक स्क्वायर फुट का। अगर 250 रुपया लेके जा रहे हैं आप, कहीं कहीं 250 रुपया है, तो कहीं प्लास्टर और कहीं टाइल्स पेंट सब इसमें करके दे देता है, ठीक है। फिलहाल मेरे एरिया में 220 रुपया चल रहा है, आपके एरिया में यह 10-20 रुपया बैरी करेगा पर स्क्वायर फुट। तो यह हो जाएगा 49,280 रुपया लेबर कंस्ट्रक्शन जो करवाएंगे, लेबर का मिस्त्री का खर्च आएगा। और ये वीडियो आप लोग के कमेंट के ऊपर ही बना रहे हैं, ठीक है, जैसा कमेंट आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए आपका जो मकान का एरिया है, रूम का एरिया है, उसमें 0.40 बैग से अगर गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ बैग निकल जाएगा। तो जब हम गुना किए हैं, देखिए यह आपको 90 बैग सीमेंट निकल के आया है। ये 0.4 क्या है, जितना दूर में बनाना रहता है उस वो एरिया से, अगर हम इसको गुना कर देंगे 0.40 बैग से, यानी कि एक स्क्वायर फुट में 0.40 बैग लगता है, तो ये टोटल नंबर ऑफ बैग निकल के आ जाएगा। कुल एरिया में गुना कर देंगे, ठीक है, 0.404 बैग से, यह एक स्क्वायर फुट में लगता है, ठीक है। कॉस्ट का बात कर लेते, 400 रुपया हमारे एरिया में चल रहा है सीमेंट का रेट, 90 बैग का 36,600 रुपया। देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ से वीडियो देखेंगे, अरे क्या बता रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये पर स्क्वायर फुट का गुना कर करके हम आपको बता रहे हैं टोटल कितना लगेगा, ठीक है। ये 0.40 बैग एक स्क्वायर फुट का है, एक स्क्वायर फुट में, तो टोटल हमारे पास 224 स्क्वायर फुट है, तो गुना कर देंगे ना 0.40 बैग से, तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग 90 बैग निकल के आ जाएगा। तो यही बता दिए हैं।
अब हम रिवर्स एंड का बात कर लेंगे। बहुत लोग ये इस टाइप से वीडियो नहीं बनाते हैं, केवल हम इस वीडियो में बता रहे हैं आप लोग को सीखने के लिए, खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सैंड का बात कर ली, रिवर्स सैंड जो गोल्डन कलर का होता, सोना कलर का बालू, तो जो हमारा एरिया है उस एरिया में अगर हम 1.48 CFT से गुना कर दे, एक स्क्वायर फुट में लगता है ये, तो हमारे पास टोटल कितना स्क्वायर फुट है, 224 स्क्वायर फुट, तो 332 CFT लग जाएगा। कॉस्ट हमारा बालू का 80 रुपये मेरे एरिया में, आपके एरिया में 10-20 रुपया आगे पीछे हो सकता है, तो मेरे एरिया के अकॉर्डिंग 26,522 रुपया लग जाएगा 332 CFT क्यूबिक फुट बालू का, 80 रुपया पर क्यूबिक फुट चल रहा है। इसी तरह सरिया का अगर बात कर लें, तो सरिया आपका जो हमारा एरिया रहता है ना, टोटल एरिया, तो एक स्क्वायर फुट में 2.5 kg हमने यूज किया है, कहीं कहीं 3 kg भी होता है एक स्क्वायर फुट में, तो 224 स्क्वायर फुट एक रूम का एरिया, तो यह 560 क्या हो गया, केजी हो गया। इसको अगर कुंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 क्विंटल 60 kg हो जाएगा, ठीक है। यह क्या है, 5 क्विंटल 60 kg टन्स आपका 0.5 टन्स हो जाएगा, टी से टन्स। कोस्ट का बात कर ले, 560 kg सरिया का, 75 रुपया मेरे एरिया में चल रहा है एक अच्छे सरिया का, तो 560 kg का 42,000 रुपया पड़ जाएगा। आगे हम बात कर लें फ्रेंड एग्रीगेट का, यानी खड़ी जिसको बोलते हैं, कपची बोलते हैं, गिट्टी बोलते हैं, तो यह एक स्क्वायर फुट में 1.35 CFT लगता है, तो हमारे पास एक रूम का टोटल एरिया 224 स्क्वायर फुट, तो गुना कर दिए तो यह 300 CFT निकल के आया क्यूबिक फुट। यह एक स्क्वायर फुट का है, बार बार बता रहे हैं, तो हम टोटल स्क्वायर फुट मेरे पास इतना है रूम का, उसे गुना कर दिए, ठीक है। कोस्ट का बात कर ले, तो 110 रुपया मेरे एरिया में चल रहा है, बिहार के रीजन में, आप कहीं भी किसी से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। 11,000 का टेलर चल रहा है 100 क्यूबिक फुट गिट्टी, आपके एरिया में 20 से 30 रुपया वैरी करेगा, क्योंकि कहीं कहीं 60, 65, 70, 75 ऐसे रेट चल रहा है पर क्यूबिक फुट का, ठीक है। तो 300 क्यूबिक फुट गिट्टी का यह हो गया 33,000 रुपया, 110 रुपये पर क्यूबिक फुट के अकॉर्डिंग मेरे एरिया में, आपके एरिया में कम हो सकता है। आगे बात कर ले, तो ब्रिक का यानी ईंटे का, तो देखिए ये 17 नंबर हमने जो ईंट यूज किया है, यह आपका फाउंडेशन 3 फुट बनाने का ऊंचाई तक, प्लस वाल बनाने का, रूम का वाल, ठीक है, बनाने का है ये, एक स्क्वायर फुट में है, पर स्क्वायर फुट है ये, तो हमारे पास टोटल कितना स्क्वायर फुट है, 224 स्क्वायर फुट 1917, तो यह 3,808 नंबर ईंटें लग रहे हैं। अगर आप फाउंडेशन बनाए हुए हैं तो आपका 2100-2200 ईंट पड़ जाएगा, ठीक है। तो यह रेट 10 रुपया फिलहाल पकड़ रहे हैं हमारे एरिया में एक ईंट का, तो 3808 ईंट का यह हो जाएगा 38,080 रुपया, ठीक है। ये फाउंडेशन भी ऐड है इसमें, नहीं तो फाउंडेशन बना हुआ है तो 11 ईंटे के स्क्वायर फुट में लगेगा, ठीक है। आगे हम बात कर ले टाइल्स कॉस्ट का, ठीक है। तो देखिए फ्लोर टाइल्स का हम बात कर रहे हैं, किसका फ्लोर टाइल्स का, एक स्क्वायर फुट में आपका 0.75 स्क्वायर फुट लगता है, ठीक है। एक स्क्वायर फुट एरिया में 0.75 स्क्वायर फुट टाइल्स लगता है, तो हमारे पास टोटल फ्लोर का एरिया कितना है, 224 स्क्वायर फुट दीवार का ऐड करके है, तो 169 क्या हो गया स्क्वायर फुट हमारा टाइल्स का हो गया क्वांटिटी। एक स्क्वायर फुट का कॉस्ट का बात कर ले, तो 45 रुपया में अच्छे मिल जाता ब्रांड का, तो 169 स्क्वायर फुट हमारे पास टाइल्स का टोटल है क्वांटिटी। अगर बोलिएगा ये कितना, मतलब कि नंबर्स टाइल्स लगेंगे, तो देखिए फ्लोर टाइल्स 2 फुट बाय 2 फुट का हम अगर पकड़ेंगे 4 स्क्वायर फुट हो जाएगा। 4 स्क्वायर फुट से जब इसको डिवाइड कर देंगे, 4 स्क्वायर फुट से हम डिवाइड करेंगे, 169 स्क्वायर फुट क्या फ्लोर का टाइल्स का एरिया है, एक टाइल्स का 4 स्क्वायर फुट होता तो 42.25 क्या आएगा टाइल्स आएगा। लेकिन पर बॉक्स का अगर बात कर ले, तो एक बॉक्स में 4 मान लीजिए टाइल्स है, तो 10 से 11 बॉक्स लग जाएगा टाइल्स, ठीक है। तो ये भी क्वांटिटी आपको बता दिए, लेकिन हम स्क्वायर फुट में बात कर रहे हैं, तो 45 रुपया पर स्क्वायर फुट टाइल्स 7,000
5 रुपया लग जाएगा। बॉक्स लेंगे तो 600-700 रुपया पड़ जाएगा एक बॉक्स का। तो वॉल पेंट का बात कर ले तो यह 0.14 लीटर आपका एक स्क्वायर फुट एरिया के लिए है। तो हमारे पास टोटल स्क्वायर फुट कितना है कंस्ट्रक्शन करवा, 224 स्क्वायर फुट गुने 0.14 लीटर, तो 32 लीटर निकल के आया। अगर आप जेनुअन में कीजिएगा तो 25-30 लीटर में भी हो जाएगा, लेकिन डबल ट्रिपल कोट मारवाइएगा ना तो लमसम इतना लग जाएगा। कॉस्ट का बात कर ले तो 250 रुपया पर लीटर पकड़े हैं, तो 8000 का यह 32 लीटर का आ जाएगा पेंट का कॉस्ट। आगे बात कर ले तो डोर है एक नंबर, अगर लकड़ी का दरवाज़ा लगा रहे हैं तो 6000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। खिड़की का बात कर ले लकड़ी खिड़की का, तो एक खिड़की हमने यूज़ किया, आप अपने अकॉर्डिंग 2 खिड़की भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक खिड़की का लकड़ी का 4000 पकड़े हैं। खिड़की में अगर ग्रिल लगवाएंगे आप, तो ये ऑप्शनल कॉस्ट है, तो फिलहाल 2000 के आसपास लग जाएगा ग्रिल का कॉस्ट खिड़की का। वेंटिलेशन 3 गो हमने यूज़ किया, जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिए थे सीमेंट वाले वेंटिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो ग्रिल वाले स्टील का यूज कर सकते हैं, सीमेंट का रोशनदानी है, ठीक है। वेंटिलेशन को क्या बोलते हैं, रोशनदानी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे दानी गर्म हवा को पास करने के लिए होता है, ऊपर में लगता है छत ढलाता है, उससे नीचे वाले में दीवार में लगता है, ठीक है। एक पीस का हम पकड़े 140 रुपया, तो 3 पीस का 420 रुपया है, इससे कम में भी हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कितना साइज का है, और अच्छा लेंगे डिजाइन वाले तो लमसम इतना पड़ जाएगा। वायरिंग कॉस्ट का बात कर ले, वायरिंग कॉस्ट में आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग में तार हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, पीवीसी पाइप हो गया, टेप हो गया, ब्लेड हो गया काटने के लिए, ईटीसी जो भी हो रहता है, लमसम 3 से 4 हज़ार पड़ जाएगा। हम फिलहाल पकड़े हैं 3000, सेलिंग फैन का ऐसे 1500-1200 में मिल जाता है। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे सारे मटेरियल जो बताए हैं, 2,55,960 रुपया पड़ जाएगा, अगर खुद से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो, या और कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा पैसा ले लेगा, 30-35 हज़ार अपना प्रॉफिट जोड़ के। लेबर का खर्च स्टार्टिंग में बता दिए हैं, जैसे कि लेबर का कॉस्ट हम आपको बता दिए थे, यहाँ 49,000 के आसपास हम बताए थे लग जाएगा, इससे कम में भी हो जाएगा अगर रेट आपके एरिया में कम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट हमें ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।